माई से ऐसे दूर देखो, अब यहाँ कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो सुबह के ना इस समय बज रहे हैं हमारे 8:38 हो रहे हैं और आज हम लोग चलने वाले हैं सिमराना। मैं चल रही हूँ, आज तो सखी भी चल रही है, बड़ी मम्मी भी चल रही है, मम्मी भी चल रही है, विशाल भी चल रहे हैं। आज हम लोग नहाए भी नहीं है, सिर्फ मैंने कपड़े चेंज कर लिए और वही नहाएंगे, वही पूजा भी करेंगे महादेव का। और आज है तीसरा सोमवार, पहले सोमवार पे भी मैं अच्छे से शिवलिंग का दर्शन की थी, दूसरे सोमवार पे भी मैं जाके हरिहरनाथ का दर्शन की थी, तीसरे सोमवार का आज मैं करूंगी शिवरामनाथ का। आयुष भी चल रहा है भाई, आयुष को भी विशाल लेके चल रहा है क्योंकि विशाल का मन बिना आयुष के नहीं लगने वाला है। मम्मी को देखो क्या मस्त चंदन लगाई है, गोला वाला उसमें चाहिए। फाइनली सब लोग रेडी हो गए गाइस, ऑटो से जाने वाले गाइस, दिल्ली वाली गाड़ी से, जैसे दिल्ली में गाड़ी नहीं चलती है वो बैटरी वाली, उस वाली गाड़ी से चलने वाले। तो मतलब पूरे रास्ते ना बहुत मजा आने वाला है, ऐसा खुली खुली गाड़ी में ऐसे हवा में लेते हुए हम लोग चलने वाले हैं। वहाँ है हमारी गाड़ी गाइस, गजब का कॉन्सिडेंस हो गया, मतलब कॉन्सिडेंस नहीं बोल सकते, मैं जो पहनी हूँ सेम सकी वही पहनी, मैं भी पैंट के साथ शर्ट पहनी हूँ, ये भी लड़की देखो पैंट के साथ कॉफी कैट। मम्मी किधर रह गए, मम्मी हमारी पूरी टीम आ रही है पीछे से, विशाल मम्मी आयुष मैं सखी पीछे रह गई, अब बड़ी मम्मी और चाची तो पहले ही बैठ गए। हाँ उसको चलो, सामान भी शिफ्ट हो गया, दोनों साइड दो बैग शिफ्ट हो गए। आयुष के लिए जगह ही नहीं बच रही है, चलो आयुष तुम मेरे ऊपर हो जाओ, आ जाओ। हमारी गाड़ी चल रही है, झुक 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 चल रही है, झुक झुक चल रही है। हाय गाइस, वेलकम कर लिया गाइस, गुड मॉर्निंग, बोलो शिवरामनाथ बाबा की जय। कैसा लग रहा है मम्मी टोटो में? बहुत अच्छे, सादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नामी सर पो का हार बहे मोतियन के धारे, महादेवा कैसे करूं आपकी सेवा। भजन कीर्तन करके हम लोग चले शिवरामनाथ बाबा के धाम, हमरे भोले के अनाड़ी दीनी समझा, हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दीनी समझा। गाड़ी से मेन मुद्दा हम लोगों का चलेगा गाइस, क्योंकि ये नज़ारा ना बंद गाड़ी में नहीं मिलता, ऐसे खुला खुला हवा लग रहा है मस्त, और हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, मस्त भजन कीर्तन करते हुए। कौन सा गाना गा रहे थे, गा दो तुम। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। आयुष ने तो एक आरती बोल दिया यार, ना शरीरिया बोले बाबा चला बाबा के दुआरिया। ज्यादा बड़ी हो गई है सखी, चारों तरफ गाइस बूढ़ा बाढ़ आ रहा है ना, यमुना माता का पानी बहुत बढ़ रहा है। आ गए यार, सब झूला वीला सब लगा हुआ है, मुझ तो मेला वीला लगा है। और ये रहा मेन गेट सिमराननाथ का, बिना पानी के मुंह एकदम सूखा सूखा लग रहा है बस, और मैं नहाई नहीं हूँ इसलिए और अच्छा नहीं लग रहा है। चलो पहले इसी अंकल बोल रहे हैं ना कि लोटे लोटे लाना, मतलब ना डिब्बे डिब्बे लाना, गंगा जी में घुसना नहीं, अब देखो क्या होता है।
बाबा शिमराद नाथ। ये मेरी मौसी और ये मेरी बहन, ये लोग भी अभी जस्ट मिल गए। गंगा माई इतना ज़्यादा बड़ी हो गई है, लोगों ने बोला है कि ज़्यादा अंदर नहीं जाना, ऐसे किनारे पे रह के नहाना। अभी उस दिन हम लोग नहाने आए थे गाइस, तो इतना बिल्कुल पानी नहीं था सीतामढ़ी में, और सिमराज नाथ में करते करते इतना हो गया। यहाँ चारों तरफ में चेंजिंग रूम कहीं नहीं है, अब नहाने में दिक्कत हो रहा है। नहाने के बाद शायद मौसी और गंगा माई को देखते माई से ऐसे दूर देखो। अभी यहाँ कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे मौसी साड़ी लगा लेगी, यहाँ चेंज करूँगी। चलो भाई कपड़े तो चेंज हो गए, चलो अब चलते ना, अब सीधा मम्मी पूजा करेगी फिर निकलेंगे बाबा शिमराज नाथ के दर्शन के लिए। सखी को देखो भाई, वो अकेली अकेली चंदन लगवा ले रही है, पर एक बार भी इधर नहीं देख रही है, मैं ऊपर से देख रही हूँ सब। यही हो हाँ मौसी, हाँ आई लड़की है भाई ये तो, हर हर महादेव। देखो अभी चंदन लगा के, पंडित जी मुझे भी चंदन लगा दो, महादेव वाला लगा दो, थोड़ा इधर हल्का सा पीला, इधर हल्का सा ऐसा पीला लगाना ऐसा, तो फिर उसी पे लगा लेना हल्का लगा। हाँ हर महादेव। विशाल आयुष और वो भैया रिक्शा वाले भैया देखो दूर ना आ रहे हैं, लड़कियों से एकदम दूर जाके, पर ये अच्छी आदत है। देखो वहाँ एंजॉय कर रही है ये देखो आयुष मस्ती कर रहा है, ये देखो आयुष की मस्ती देखो, विशाल का टकला दिख रहा है बस थोड़ा सा, ये देखो आयुष टुक्की लगा रहा है उसके पते। हर हर महादेव, वही उन लोगों की मस्ती देखो बस, आयुष विशाल को इनमें से विशाल कौन सा है पहचानो, कौन सा इनमें से विशाल ये। नहा लो दोबारा नहाने को नहीं मिलेगा, नहा लो। अच्छे से सब कुछ हो गया, अब जल लेके महादेव के लिए अब महादेव के दर्शन करेंगे।